शेख, ये जो जी हलाल जानवर होते हैं जैसे गाय, घोड़ा, बकरा, तो ये तो सब मालूम है। समुद्र के जानवर है उसमें एक मछली के अलावा और कौन से जानवर हलाल होते हैं जिनको खा सकते हैं? सर, देखिए आप एक उसूली बात याद रखिए कि जो जिन चीजों का खाना हलाल है दुनिया में वो चीजें अनलिमिटेड हैं, और जिनका खाना हराम है वो लिमिटेड हैं। तो हमारी शरीयत जो चीजें लिमिटेड होती हैं, हमारी शरीयत गिन करके उनको बताती है या उनके बारे में कुछ उसूल बताती है, क्योंकि अनलिमिटेड चीजों को गिन करके बताना और आपका उसको याद रखना ये मशक्कत का बाइस है। तो हमारी शरीयत ये बताती है कि फला 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 चीजें मत खाओ, या तो तंसीस के साथ बता देती है कि फला फला जानवर मत खाओ, या तो उसके कुछ उसूल बताती है कि ये उसूल जिन जानवरों के अंदर पाए जाए उनको मत खाओ। जैसे हमारी शरीयत ने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहा अन कुल्ले दी मिखला भी मिनत तैर व अन कुल्ले दीना भी मिनत सेबा, हर वो परिंदा जो अपने पंजे से शिकार करता है उसका खाना हराम है, हर जी वो जानवर, हर वो चौपाया जो कि अपने दांत से शिकार करता है उसका खाना हराम है। अब ये उसूल बता दिया हमारी शरीयत ने, अब इसमें एक एक जानवर को अलग अलग करके बताने की जरूरत नहीं, हर वो जानवर जो दांत से शिकार करता है। आपने जानवरों को देखा होगा जो शिकारी जानवर होते हैं उनके जो सामने दो दांत होते हैं दाएं और बाएं, वो बड़े होते हैं, बाकी दांतों से जी वो बड़े और नोकीले होते हैं, वो शिकार करने वाले दांत होते हैं। इस तरह का कोई जितने भी जानवर है सब हराम है, या इसी तरह से वो परिंदे जो अपने पंजे से शिकार करते हैं वो हराम है। तो गोया कि हम इस हदीस ने हमें एक उसूल दे दिया। अब आपको एक एक करके जानवरों की, अब हिंदुस्तान में सैकड़ों किस्म की चिड़िया पाई जाती हैं, अब एक एक चिड़िया का नाम बताने की जरूरत नहीं है कि फला चिड़िया हलाल है, फला फला हलाल है, फला हलाल है। हो सकता जी है वो चिड़िया दूसरे मुल्कों में ना भी पाई जाती हो, तो अब वो चिड़िया जो है या वो जो चौपाया है आप उसको देखिए कि क्या उसके अंदर ये जो उसूल बताया गया है ये उस उसूल के मुताबिक है कि नहीं। जमीन में खुश्की में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में हमने बता दिया आपको, अब समंदर में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, समंदर में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में ये रूल नहीं है। समंदर में पाए जाने वाले वो जानवर जिनका खाना मुजिर है, नुकसानदेह है, उनका खाना हराम है, बाकी जो समंदर के जानवर हैं वो हलाल हैं। सही कौल यही है समंदर के जानवरों के बारे में। समंदर में भी ऐसे जानवर हैं ना जो मुंह से शिकार करते हैं? नहीं, तो ये जो हदीस है ये खुश्की के बारे में है, जी वरना मछली जो होती है बड़ी मछली वो किससे शिकार करती है, वो मुंह से ही करती है, उसके पास दांत होते हैं, तो क्या वो मछली हराम है? नहीं। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आप देखिए, सहाबे कराम ने जो मछली खाया था उसका नाम था अंबर, इतनी बड़ी मछली थी कि उसके कांटे के दरमियान से जो है सहाबे कराम निकल जाते थे, इतनी बड़ी मछली थी, तो किससे शिकार करती थी वो? अंबर जी मछली होती है, और बहुत सारी मछलियां समंदर में तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो ये जो दांत से या मुंह से शिकार करने वाली बात है ये खुश्की के जानवर के बारे में, समंदर के जानवर के बारे में नहीं है। अच्छा। और ठीक है वो जो सर, उसूल बयान करते हैं शेख, कि वो जानवर, वो समंदरी, वो जानवर जो जमीन पर ना रह सकता हो, यानी जमीन पर रह सकता हो फन, हाँ देखिए ये अब उसूल। ये जो बात हमने अभी बताई ये ऑटोमेटिक उसके अंदर आ गई। जब आपने कहा समंदर वाले जानवर, इसका मतलब वो जानवर जो सिर्फ पानी में ही जिंदगी गुजार सकता है, हम गोया कि उस जानवर की बात कर रहे हैं जो पानी में ही जिंदगी गुजार सकता है, पानी के बाहर नहीं। तो जो जी सिर्फ पानी के अंदर जिंदगी गुजार सकता है वो जानवर हलाल है। जैसे अभी केकड़ा है शेख, वो पानी के अंदर भी रहता है, पानी के बाहर भी रहता है। क्या खुश्की में वो जिंदगी गुजार सकता है हाँ, रहते हैं बहुत सारे, बगैर पानी के? बगैर पानी के भी रहते हैं, मतलब वल्लाह बाहर आलम, घूमते हैं, बाहर आते हैं, वो रहते हैं कुछ टाइम, फिर वापस पानी में जाते हैं, फिर बाहर जी आते हैं, रहते हैं कुछ बिल्कुल, टाइम, फिर पानी में जाते हैं। क्या खाली खाली खुश्की में वो रह सकते हैं? नहीं रह खाली सकते खुश्की शेर, में देखना नहीं रह पड़ेगा शेख, मुझे सकते लगता है रह बिल्कुल सकते हैं शेख, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो रह सकते हैं।
देखिए खाली खाली खुश्की में शेख वो नहीं रह सकते, चाहे थोड़ा पानी चाहिए लेकिन उनको पानी ही में रहेंगे। वो ठीक है कुछ टाइम के लिए बाहर निकलते हैं चलते हैं, लेकिन बगैर पानी के वो नहीं रह सकते, वो असल पानी ही के जानवर हैं। जी जी। फिर शेख ऐसे कई जानवर जैसे मगरमच्छ है, अभी मगरमच्छ भी पानी के अंदर भी रहता है पानी के बाहर भी रहता है। हम किताबुल अतीमा पर बात नहीं कर रहे हैं, आप मैं आपको कह रहा हूं आप शेख बिन उसैमीन को पढ़िएगा अशरहुल मुमते, अशरहुल मुमते में जी अशरहुल मुमते उसमें हाँ तिमसाह लिखिएगा, तिमसाह क्रोकोडाइल जी, तो जी, फिर आपको वहां पर उसका हुक्म मिलेगा। हद्दसुन नास अला कद्रे उकूलहिम जी जी, तो हम इस पर जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर आएंगे। हाँ तो शेख शेख की गुफ्तगू आप पढ़िएगा तिमसाह के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह खैर लुक्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह किताबुल अतीमा पर जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी सवाल आ जाएंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। असल में कुछ चीजें ऐसी हैं शेख, इसमें इस बाब में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस कदर मारूफ हो गई हैं हमारे मुआशरे में कि बहुत मुश्किल है उसके खिलाफ कबूल कर पाना लोगों का, हालांकि सच्चाई उसके बराक्स है। ठीक है आपको कोई चीज नहीं पसंद है आप मत खाइए, लेकिन वही चीज दूसरे मुआशरे में लोग पसंद करते हैं उसको खाते हैं, जैसे केकड़े की आपने बात किया, बहुत सारे लोग नहीं खा सकते, हो सकता है शायद आप भी ना खा सकते हो, लेकिन जो है वो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो वब नहीं खाया, नहीं खाया, आपके सामने पेश किया गया तो आपने नहीं खाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को अपने सामने खाने दिया, इकरार किया, तो आपको नहीं पसंद है ठीक है मत खाइए, लेकिन उससे हराम तो नहीं हो जाती वो चीज़।